लिए ये उपचुनाव था और चुनाव के दौरान विजयी हुए थे। दुर्भाग्य की बात थी, उनका निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा था। इस उपचुनाव में एक मिनट रुकिए, ये उपचुनाव उसके बाद हुआ है और आप सब लोग हमसे पूछते थे तो हमको हमेशा यही कहते रहे हैं कि जनता मालिक है, जो भी फैसला देगी। हम लोगों का तो कर्तव्य है सेवा करना और हमेशा हम कहते हैं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो जब भी काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया है, हम सब लोगों ने उनकी सेवा की है। और इस बार का जो चुनाव हो रहा था, जनता दल यू और एनडीए के दोनों जगहों के उम्मीदवार विजयी हुए। सब लोगों का, जनता दल यू का, एनडीए के सभी दल के सब नेता, सब कार्यकर्ता, सब लोगों ने पूरे तौर पर लोगों के बीच में संपर्क किया, काम किया और लोगों के बीच में सब लोग जाते रहे। विरोध में जो लोगों को भी करना था वो भी करते रहे, लेकिन हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन क्या कर रहे हैं विरोध में। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया, ये सबके सामने, यानी जो काम है हम लोगों का, उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है। इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है, तो इसके लिए हम तो लोगों को बधाई देते हैं। और जो भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं उन सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई, और सारे लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज पार्टी के इस कार्यालय में आप देख रहे हैं कि सब जगह के लोग, मेरे पार्टी के साथी सब पहुँच गए। लोगों को मालूम था कि आज ये दोनों आएंगे और दोनों का स्वागत किया जाएगा, तो सब लोग आप देखें इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सब लोगों को खुशी है। और दरअसल बिहार के लोगों की खुशी है, सब लोगों की खुशी है। मैं सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं तो यही आश्वस्त करूंगा कि जब तक मुझको सेवा करना है हम तो सिर्फ सेवा ही करेंगे, इसके अलावे हमारे मन में और कोई बात नहीं। आपको लगता है लालू जी को मैजिक नहीं चला? आप तो क्या चलेगा बताइए, ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं तो सब जानते हैं। हम लोग तो नहीं कुछ बोलते हैं, और तरह तरह की बात किए थे, तो उसके बाद तो जो बोलेंगे तो जनता को तो एक एक चीज तो उन लोगों को क्या मन रहता है, मिजाज रहता है। हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक है। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है, तो ये वो लोग जाने। तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जो मर्जी करे वो बोलते रहिए। और हम लोगों का है सिर्फ बोलने में हम लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की रुचि काम करने में, और जो काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे जब तक जनता चाहेगी, काम करते रहेंगे, यही हम लोगों का है। सरकार गिराने के बाद अभी भी बोली जा रही है कि परिवर्तन होगा, बताइए ना। अब क्या मतलब था, बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोलते रहता है और उसके बाद क्या होता है सो जानते ही ना है। इसलिए अब तो सब कुछ लोगों ने बता भी दिया, इसलिए सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद।